आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम हेल्प नाउ। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, समूचा विश्व इस समय कोरोना मार की चपेट में है। सरकारें काफी सतर्क है और उनसे जो भी बन पड़ रहा है देशवासियों के लिए भरसक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। समुचित जांच पड़ताल, इलाज, अस्पताल और ऑक्सीजन और बेड, इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए सरकारें लगी हुई है। सबके बावजूद सब कुछ ऐसा लगता है कि नाकाफी है। एलोपैथ के अलावा अब लोगों की निगाहें दूसरी पैथियों की तरफ जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा जगत की एक महत्वपूर्ण पैथी, होम्योपैथी। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज गोरखपुर जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के मशहूर प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर रूप कुमार बनी जी। अभी हमारी कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन पता चला है होम्योपैथी के चिकित्सक पूर्ण रूपेण दावा कर रहे हैं इस महामारी कोरोना के समूल नाश की। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रूप कुमार नगर जी से। साहब नमस्कार, हमारे दर्शक आपके साथ हैं, रूबरू हैं और सादर नमस्कार सवालों की ओर। जी सादर नमस्कार आपको एवं मेरे सभी सम्मानित प्यारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी, होम्योपैथिक चिकित्सक, आज आपके समक्ष आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मैं आपको ये जो भयानक महामारी है इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी सर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे मैं खुद, हमारे आसपास के लोग और हमारी जनता दर्शक सभी चाहते हैं कि क्या इस महादानवरूपी जो कोरोना है इससे क्या छुटकारा मिल सकेगा हमारे होम्योपैथी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा मिस्टर श्रीवास्तव जी, कि इस चैनल के माध्यम से कि कभी भी वायरस खत्म नहीं होता है। जी, जिस प्रकार से चेचक कभी खत्म नहीं हुआ, तमाम जैसे मीजल्स हुआ या इस प्रकार से वायरल डिजीजेस जिस प्रकार से कभी खत्म नहीं होती हैं, उसी प्रकार से कोरोना कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, इसमें यह है कि जब ये अपने दो तीन पीक, दो तीन चार फेज में आ जाएगा, उसके बाद अपने लेटेंट फॉर्म में चला जाएगा, मतलब अपने सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। असुषुप्तावस्था में कुछ वर्षों में तक रहेगा, फिर उसके बाद जागृत होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वायरल डिजीजेस या वायरस कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जी, बड़ी अच्छी जानकारी। हालांकि इसको लोग दानों से कम नहीं मानते हैं और मानते हैं कि ये महामारी जो तूफान बनकर आई है वो जल्दी से जल्दी जहां से आई वो वापस चली जाए। फिलहाल जी, एलोपैथ के काउंटर पर जितनी भीड़ होती है उतनी होम्योपैथी के काउंटर पर नहीं। शायद कहीं विश्वास की कमी होगी, एजुकेशन की कमी होगी, लेकिन ये देखिए, लेकिन आश्चर्यजनक की बात है, आश्चर्यजनक रूप से हमने जो नोटिस किया है इधर कि इस कोरोना काल में आम जन का रुझान होम्योपैथी की तरफ पड़ गया है। अपने साथ लीची गोलियों की जो शीशियां हैं वो लोग अपने पॉकेट में रख रहे हैं, सुबह में, शाम को या जैसा भी उन्हें बताया गया है वो उसका सेवन करते दिख रहे हैं। अब आप देखिए, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे तीन स्त्रियां जा रही हैं, ठीक है, किसी ने लहंगा पहना है तो किसी ने साड़ी पहनी है तो किसी ने जीन्स पहना है, तो
तो ये कहना बेकार है कि उसने लहंगा क्यों पहना है या उसने साड़ी क्यों पहनी है या उसने जीन्स क्यों पहनी है। तीनों ने ही वस्त्र पहना है और अपने अपने हिसाब से वस्त्र पहना है, जिसको जैसी जरूरत है वो वैसे ही वस्त्र पहनेंगे। ठीक इसी प्रकार से है, तमाम विधाएं हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, तिब्बी, सिद्धा, जो भी हमारी जो पैथियां जो भी हैं, जो चलती हैं, वो सबका अपना अपना स्कोप है, सबका अपना अपना लिमिटेशंस है। हर किसी को ठीक करने की अपनी सीमा है, उस सीमा से बाहर यदि चला जाता है तो फिर उसको अपने मित्र की, अपने साथी की, अपने सखी की, अपने यार की दरकार पड़ती है। अब जैसे सपोज करिए हमारे पास जैसे 5 उंगली है, किसी के पास यदि 6 उंगली हो जाए और कोई आके पूछे कि डॉक्टर साहब किसी अपनी दवा से क्या आप 6 को 5 कर सकते हैं, तो ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कम अंडर द डोमेन ऑफ सर्जरी, एंड इफ दैट इज कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ सर्जरी तो वो होगा। ठीक उसी प्रकार से है ये कोरोना, ठीक है, ये जो कोरोना है तो ये जो हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होते हैं, मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं कि अभी तक इसकी कोई दवाई बनी नहीं है जी। ये एंटीबायोटिक्स देके, स्टेरॉइड्स देके पेशेंट की जान को देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, पेशेंट अपने बल पर ठीक होके बाहर आता है जी। पेशेंट अपने बल पर ठीक होके बाहर जाता है। अभी दवाई कोई ऐसी बनी नहीं है कि अभी कोविड के पेशेंट को ठीक कर दिया जाए, लेकिन अब ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम लोग लक्षणों के हिसाब से पेशेंट का इलाज करते हैं, ना कि मरीज के बीमारी का, चाहे उसको कोविड हो, चाहे उसको टीबी हो, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे उसको कुछ भी हो, पेशेंट का लक्षण जो बताएगा उसके लक्षणों के अनुसार हम दवाई देंगे, तो पेशेंट को काफी हद तक आराम होता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए इसके पहले जो पिछले साल जो कोविड का अटैक हुआ था जी। तो उसमें भी वो त्राहिमाम 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 करके अंततो गत्वा आर्सेनिक एल्बम 30 साथ ही साथ तमाम दवाई बचाव के लिए ले रहे थे, ठीक है, दवा तो पहले से ही ले थी। हाँ जी, हाँ जी, आपने भी शायद लिया था तो मुझे याद है जी। तो ऐसा है कि रही बात कि हर किसी पैथी का अपना एक लिमिटेशन होता है। मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि कोई भी पैथी बुरी है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, जब अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के सामने कि हे पार्थ सारथी मैं कैसे युद्ध जीतूंगा, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे पार्थ, ये धर्म युद्ध है, साम दाम दंड भेद छल बल कौशल से हमको युद्ध जीतना है। ठीक इसी प्रकार से पहले हमको पेशेंट को ठीक करना है, फिर बाद में हम तय करेंगे कि वो स्टेरॉइड से ठीक हुआ, एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ, या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ, या आयुर्वेदिक या टिब्बा। माय फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोटो इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमको पहले पेशेंट को ठीक करना है, हमको पहले पेशेंट को जीवन दान देना है, हमको पहले पेशेंट को हॉस्पिटल से या घर से जो आइसोलेशन में निकाल के उसके परिवार से मिलाना है, हमको पेशेंट को नई जिंदगी देनी है, ये एक चिकित्सक का कर्तव्य है। यहाँ पर भीड़ और न भीड़ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है अरविंद जी। जी 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 जी, अगले सवाल पे चलें जी। सर कुछ ऐसी भी दवाएं, अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे थोड़ी सी हम बात कर लें, कुछ ऐसी भी दवाएं होंगी जो हम संक्रमित होने से पहले एहतियात अगर हम उस दवाओं को ले लें तो शायद इस मुसीबत से बच सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये हम लोग कोरोना को ही इंगित करके नहीं, सबसे पहले कोई भी बीमारी तब होती है जब पेशेंट का प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो जाएगा तो वो किसी भी बीमारी को आराम से पकड़ लेगा। आप कहने का मतलब फिर वो पेशेंट का जो दरवाजा खुल जाता है तो तमाम प्रकार की बीमारियां आना शुरू करती हैं। उसी में एक महामारी के रूप में कोविड भी है, कोरोना भी है। तो सबसे पहले अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सोशल साइट्स पर भी मैं तमाम मैसेजेस डालता रहता हूं, आप भी देखते हैं जी, कि सबसे पहले जरूरी है एक निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या को एकदम बिल्कुल चैनलाइज करके रखना। सुबह उठना,
अब क्योंकि इस समय सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार मैं तो खुले मुंह से कहूंगा बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उन्होंने अभी लॉकडाउन ना करके इन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगाया है जिसको आंशिक रूप से कहते हैं। इसमें आप जैसे घर में थोड़ा सा टहल सकते हैं, या जैसे मतलब मैं जो मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, इम्यूनिटी पावर को कैसे मजबूत किया जाए, आप घर में घर के आते में टहलिए, एक्सरसाइज करिए घर में ही, फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए, योग व्यायाम करिए, योग की इस समय बहुत जरूरत है, व्यायाम की समय बहुत जरूरत है, अपने उम्र के हिसाब से करिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर आप नहीं करते हो तो जग जाइए, कल से आरंभ करिए, क्योंकि जब जागे तब सवेरा जी। साथ ही साथ अपने भोजन का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल नियमित रखें, हरी सब्जियां खाएं, अच्छे प्रकार से धुलवा के ताजा फल फूल लेंगे, मौसमी फल ज्यादा इफेक्टिव होगा, साथ ही साथ आप रोटी, वो शुरू से ही आपने गाना सुना होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, इसका ये बहुत बड़ा मतलब है, आप गरम दाल देशी घी का तड़का लगा के गरम रोटी साग अगर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा मतलब डेवलप कराएगा, बहुत ज्यादा आपको मजबूत बनाएगा। बनिस्पत की बाजार से जैसे जंक फूड हुआ, मैगी हुआ, पास्ता हुआ, बर्गर हुआ, चाट हुआ, इसमें कोई दम नहीं रखा हुआ है, परंतु कभी कभार के लिए ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून अगर 15 दिन में एक दिन खा लिया तो कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन अपने डेली रूटीन में सादा सिंपल भोजन करिए और स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए। ये तो हुआ आपका निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या को मतलब रेगुलेट करना। दूसरा, अब हम लोग दवा पर आते हैं। दवा में जैसे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं और उसमें हजारों मेडिसिंस हैं, इसमें से मैं कुछ दवाइयों का नाम आपको बता रहा हूं जिसको लेने से इम्यूनिटी पावर में काफी मजबूती आती है। जैसे अश्वगंधा क्यू, एजारिक्टा मतलब नीम, एजारिक्टा क्यू, साथ साथ जिनसेंग क्यू, जिनको बिलोबा क्यू, यूकेलिप्टस क्यू, कालमे क्यू, सिनामोनियम क्यू, तो ये सब जो दवाइयां हैं इनको लेके आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से मिलके जो भी हैं और उनका राय लेके आप इसको ले सकते हैं, एक साथ मिक्स करके दिन में 3 बार 15-15 बूंद इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ बीच में काफी हवा उड़ा था कि आप एस्पाइडोस्पर्मा, एक मदर टीचर एस्पाइडोस्पर्मा क्यू, उसको लेने से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल अगर कमजोर है, अगर वो 90 से बिलो है, 88 है, 87, 85 है, तो कोई मेडिसिन जादू नहीं दिखाई दे। इफ द पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन, ही हैज और शी हैज टू टेक ऑक्सीजन, लेना ही है। हाँ, अगर ऑक्सीजन अगर 90 अगर है या 90 से थोड़ा कम है या 91 है, तो उस समय ये जो मेडिसिन है आपका लोबेलिया इन्फ्लाटा, एस्पाइडोस्पर्मा, वेनेडियम 30, ये हेल्प करती है। लेकिन साथ में इसके पेशेंट को टोन जैसे पलट के ऐसे पेट के बल लेटेंगे, छाती के नीचे तकिया रखेंगे, पेट के नीचे तकिया रखेंगे, पैरों के नीचे तकिया रखेंगे और उसके बाद हाथ ऐसे करके पूरा सांस ले, सांस छोड़े, उसके बाद करवट। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको करेंगे दिन में 3-4 बार, मैंने देखा है, मैंने 2-3 पेशेंट्स को बताया है और उससे उनके ऑक्सीजन लेवल, साथ मैंने दवाई बताया तो काफी हद तक मतलब अच्छा हुआ है, अब उनको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल भी यही था कि इस समय ऑक्सीजन की संकट है, ऑक्सीजन का संकट मनुष्य के भीतर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ले पा रहे, इंटेक कर पा रहा है, तो चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि हमने भी देखा, आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि बहुत सारी तो कैजुअलिटीज हो जा रही है, सभी तो नहीं, कुछ बहुत रेयर, लेकिन कैजुअलिटीज हो रही है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये ऑक्सीजन इनटेक की जो समस्या है वो दिख ही रहा है कि कितनी किल्लत है, तो ऐसे में क्या कोई आपके पास, आपकी पैथी में कोई ऐसी दवा जो ऑक्सीजन को इंटेक कराने में सहायक हो, या फिर वो ऑक्सीजन की का सब्स्टिट्यूट होता हो, ऐसा कुछ? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपने सुना जी। देखो, दवा जो है, मैंने आपसे अभी बताया ना
दवाइयां बहुत सारी हैं, जैसे वेनेडियम 30 है, एस्पाइडोस्पर्मा है, लोबेलिया इन्फ्लाटा है, ग्रिंडेलिया रोबस्टा है, बहुत सारे आर्सेनिकम एल्बम है, उसके बाद आपका ये भी है कैम्फर है, साथ साथ आपके वो है क्यूपर मेटालिकम है, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो तभी मैंने बोला कि अपने मन से दवा लेके बिल्कुल मत खाइए। इसको मैंने फेसबुक पर भी डाला हुआ था कुछ दिन पहले कि अपने बिना चिकित्सक से पूछे अपने मन से अगर दवा लेंगे तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। होम्योपैथी होम्योपैथी ट्रस्ट, होम्योपैथी बिलीफ, होम्योपैथी हैव फेथ इन होम्योपैथी, लेकिन किसी चिकित्सक से, सुयोग्य चिकित्सक से अपने सारे लक्षणों को बताकर तब लीजिए, अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की दरकार है तो उसको ऑक्सीजन देना ही चाहिए। ठीक बात। कसम कितना अब जरूरी है हमारे लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? ऐसा तमाम लोगों का सवाल है कि आखिर हम कब तक इसको लगाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फेस मास्क को जो है, वैसे तो आप अपने जैसे अगर अकेले रहेंगे तो सिंगल फेस मास्क, लेकिन अगर आप भीड़ भड़का वाले जगह में, एक तो जाने से बचना चाहिए और दूसरा अगर जाएंगे तो डबल फेस मास्क। जैसे देखिए एक कॉटन का फेस मास्क प्लेन जी, उसके ऊपर एक ये फेस मास्क, सर्जिकल फेस मास्क, उसके ऊपर कॉटन का फेस मास्क। अच्छा। ये जब मैं पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट को तो वैसे मैं पूरा दूरी पे शीशा लगा रहता है, मैं देखता हूँ, लेकिन जैसे भीड़ भड़का वाले जगह पे जाएंगे या अगल बगल कोई रहेगा तो इसको लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब प्रकार है, ये बहुत चतुर है, ये पल पल अपना रूप बदल रहा है और पल पल नए नए तरीके के सिम्टम्स दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये हवा में तैर रहा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल मतलब हवा में ये फ्लोट कर रहा है। तो इसलिए मैं राय दूंगा कि जब भी बात करें किसी से भी तो 6 फीट की दूरी रखें, 6-8 फीट ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रखें बात करें, अंतरंग ना हो जाए। और आजीवन ये जो है अभी फिलहाल तो ये मास्क लगाना है, साथ ही साथ अगर जरूरत हो तो फेस शील्ड लगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंस तो बहुत जरूरी है ही है, उससे आपको अपने आप को दूर रखना है, किसी से दूरी बना के रखनी है। साथ ही साथ सैनिटाइजर, सैनिटाइजर अगर आप बाहर रहेंगे तब आप सैनिटाइजर ऐसे रखेंगे पॉकेट में, सैनिटाइजर आप अपने हाथों को खूब अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे हैं, अगर आप घर पे हैं तो आप साबुन पानी से, क्योंकि साबुन पानी इज द बेस्ट ऑप्शन, साबुन पानी से हाथ को बार बार अपना धोते रहें, अपना बार बार साफ करते रहें। और बाहर से जब आप आए, बाहर से जब आप आए घर पर तो आप स्नान करें, पानी में 2 बूंद डेटॉल डाल दें, तो इससे बहुत अच्छा आदमी फ्रेश भी रहेगा। और कपड़ों को अपना बाहर उतार के फिर घर में प्रवेश करें। तो इन सब चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो देखिएगा बहुत हद तक हम लोग इससे बचा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। लेकिन सर्वोपरि है, दवा से भी ज्यादा ऊपर है कि आपको एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, उसमें प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब चीज करना बहुत जरूरी है। सप्ताह में 5 दिन भी अगर आप करिएगा तो आपके लिए बहुत है। ठीक ठीक बात। कसब एक अब चलते चलते एक और सवाल, बहुत सारे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हुए, ठीक भी हो गए, तो उनके लिए क्या नसीहत है, क्या सलाह है? पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथी? पहले तो इसके लिए, इसको जानने से पहले पहले जानना चाहिए पोस्ट कोविड कंप्लेंट्स क्या है। कोरोना मतलब हो जाने के बाद फिर कंप्लेंट्स क्या होते हैं? अक्सर कोरोना हो जाने के बाद जब पेशेंट ठीक होकर घर आ जाता है या घर पे रहता है, जब ठीक हो जाता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, तब सर में दर्द, सर में भारीपन, अंदर से घबराहट, बेचैनी, अचानक सोचने समझने की क्षमता चली जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पेट साफ नहीं होना, अंदर से थकान, आलस्य रखना, कहने का मतलब ये सब सिम्टम बिल्कुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर होता है। फिर वही घूम के साइकिल घूम रहा है, अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखना है, जिसके लिए मैंने दवा भी बताया वो लीजिए, साथ साथ अपना एक्सरसाइज डाइट रेजिमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
ये सारी चीजों को अगर पालन करेंगे तो आपको फिर, क्योंकि देखिए कोरोना हो जाने के बाद ये नहीं कि फिर आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और क्योंकि ये बार बार पल पल अपना रूप बदल रहा है, इसलिए हम लोग को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना पर हमको विजय प्राप्त करना है, प्राप्त करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने पेशेंट को छोड़ के हमसे आपने बात किया। अरविंद जी, दो मिनट समय मैं ये लेना चाहता हूँ कि मेरा समय कीमती नहीं है, मेरा जो जीवन है और मेरा समय है ये सबके लिए मैंने मैं जानता हूँ। आप, हमने जब परिचय कराया अपने दर्शकों से, तुमने कहा कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, मेरा धर्म है, और आप मुझे जब बुलाएंगे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, हमारी सम्मानित जनता के समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। सादर प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो ये दर्शकों, ये थे डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी। तो ये था हमारा आज का सफर, जो आज हमने डॉक्टर रूप बनर्जी से कोरोना काल के बारे में बात किया, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बारे में भी बात किया, और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ने अपनी पैथी और अपने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको योग करना ही है। योग करके आप अपनी जो सामान्य सी जो जीवन दिनचर्या है उसको चला सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी डॉक्टर साहब ने। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है हेल्थ नाउ का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए चिकित्सक के साथ, किसी नए पैथी पर बात करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।